The progress of an artist is a continual of self-sacrifice, a continual of distribution of their art, and the artist who do so is the teacher, with full of dedication. Our next teacher did the same for their students. So, in the series of Teacher's Talk, please welcome Professor Dheeraj Singh Rajput, sir. Please share your life journey before IGC with us. Yes, sir. Schooling to lagbhag sabki same hi hoti hai. Aisa kuch khas hota nahi hai. Government school se schooling hui hai meri. उसके बाद एमआईटीएस ग्वालियर से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई की 2011 बैच का पास आउट हूँ. सेम उस टाइम भी पता नहीं था करना क्या है, वो जनरल डाउट होता है हर किसी का, नहीं पता होता तो हम दूसरे लोगों को फॉलो करने लगते हैं. तो मैंने भी वही किया, मैं गेट की प्रिपरेशन करने लगा, टेक्निकल की तरफ थोड़ा देखने लगा. तो गेट दिया तो क्वालिफाई हो पाए थे बस, फाइनल ईयर में कुछ अच्छी रैंक नहीं आई थी. उसके बाद एक साल ड्रॉप लिया, तैयारी की तो दिल्ली गया. तो उसके बाद रैंक ठीक आ गई तो एमटेक के लिए कॉलेज ले लिया. एमटेक के लिए मैंने दिल्ली जो एक कॉलेज है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी दिल्ली, तो वहां से मैंने VLSI में एमटेक किया. वहां जाके थोड़ा मुझे और समझ में आया कॉलेज क्या होता है. बीटेक में इतना समझ में नहीं आ पाया मुझे, कॉलेज से घर से उसमें ही टाइम निकल गया. वहां पर जाके हर चीज के बारे में थोड़ा ज्यादा माइंड एक्सप्लोर हुआ, वहां जाके बहुत सारी नॉलेज गेन हुई. तो वहां से जब एमटेक कंप्लीट हुई तो उसके बाद भी वहां बीटेक के बाद फाइनल के बाद डिसाइड हो गया था कि जब एक बार चूज कर लिया उसको करना है तो उसको करने लगे. एमटेक कोई ऑप्शन नहीं था लेकिन एक करना था, कुछ ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आया, मैंने एमटेक में एडमिशन ले लिया. यस सर. ठीक है, तो VLSI से एमटेक की. वहां दो साल बाद फिर से एग्जाम दिया तो कोई क्रैक नहीं हुआ होगा. फिर दो साल बाद जब एमटेक कंप्लीट हो गई तो एक कॉलेज में ग्वालियर में एक MIDS कॉलेज है. Yes, वहाँ एक साल टीचिंग की. Yes, sir. टीचिंग करने के बाद फिर समझ में नहीं आया, फिर टीचिंग करने के बाद मैं फिर से दिल्ली चला गया. Yes, sir. मैंने फिर से छोड़ दिया. Yes, sir. टीचिंग द्वारा ज्वाइन नहीं किया. Yes, sir. वहां जाके फिर जैसे मैं दिल्ली गया 2014 में मेरी एमटेक कंप्लीट हुई. Yes, 2015 मैंने टीचिंग की, 15 में ही मेरा सिलेक्शन हुआ गेट के थ्रू. अभी पॉलिटेक्निक में वैकेंसी आई थी. Yes, sir. वहाँ एज ए लेक्चरर सिलेक्शन हो गया मेरा. Yes, गेट के थ्रू आई थी. Yes, sir. 15 में मेरा एक और PSU क्रैक हो गया था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. Yes, sir. तो उसमें सिलेक्ट हुआ, मैंने उसको ज्वाइन, एक साथ दोनों की एक साथ ज्वाइनिंग आ गई तो मैंने उसको छोड़ दिया. Yes, sir. मैंने पॉलिटेक्निक MP लोकेशन पर था तो पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर लिया. Yes, sir. उसका नेक्स्ट ईयर 16 में फिर से वैकेंसी आई इंजीनियरिंग कॉलेज में. Yes, sir. वो गेट से थी, मैंने फिर से गेट दिया. Yes, फिर से यहाँ सिलेक्शन हुआ तो मैंने यहाँ 16 जुलाई में यहाँ ज्वाइन किया. Yes, तो आप देखेंगे मैंने 2011 में बीटेक की 2011 में, और 15 में जाके पहला एग्जाम, पहली जॉब 15 में लगी तो उसके बाद 16 में तो नेक्स्ट आ गई, लेकिन पहली जॉब 2015 में लगी. Yes, तो ऐसा नहीं है, आप अगर ट्राई करोगे तो ये गैप जरूर दिख रहा है आपको, बट कुछ ना कुछ आप. मैंने एमटेक में भी ट्राई करता रहा था, एमटेक भी हुई, एमटेक भी बहुत कार नहीं हुई, एमटेक भी अच्छे से की थी, एक पेपर वहां ही पब्लिश कर दिया तो एमटेक भी कर दी. तो सब वो गैप ज्यादा दिख रहा है बट ऐसा हो जाता है, अगर आप लगे रहोगे ट्राई करते रहोगे तो सिलेक्शन होता है, एग्जाम क्रैक होता है, और जो आप चाहते हो तो उसके आस जो आप चाहते हो उसके आसपास पहुंच ही जाओगे. अगर थोड़ा और ज्यादा ट्राई करोगे तो शायद वो भी मिल जाएगा जो आप चाहते हो. ठीक है, उसके बाद हमने ये कॉलेज ज्वाइन कर लिया. प्लीज टेल अस अबाउट योर हॉबीज इंटरेस्ट. तो एस्पेस मुझे मूवी देखना, क्रिकेट खेलना ये पसंद है, और बुक्स रीडिंग भी पसंद है मुझे. Yes, मैंने सोचा है कि कभी फ्यूचर में एक लाइब्रेरी ओपन करूंगा इसके लिए, जिससे कि उसमें लोग आके बुक्स रीड करें. Yes, sir. एक फ्री लाइब्रेरी. Yes, sir. एक कहीं पर जिसमें लोग आके फ्री में बुक्स रीडिंग उनकी हैबिट में आए. Yes, sir. वो एक कुछ ग्रेट ऑथर्स हैं उनकी बुक रीड करें, उनकी स्टोरी पढ़ें, उनकी बायोग्राफी पढ़ें. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट आप कर रहे हैं. प्लीज शेयर एनी वन ऑफ यूर मोस्ट मेमोरेबल एंड फनी मूवमेंट इन IGC. मेरे पास इसका एक मूवमेंट है. एक बार एग्जाम चल रहे थे 2017 या 18 की बात है, तुम लोग सेकंड ईयर में होंगे. यस सर. तो मैं क्लीन शेप वगैरह करके गया. यस सर. मैं यूपी करने का एग्जाम ड्यूटी. यस सर. तो
वहां पर ऑलरेडी कोई ड्यूटी कर रहा था। यस सर। उसने मुझे गेट पर ही चेक करके एडमिट कार्ड मांग लिया मुझसे और वहां बच्चे बैठे थे अंदर, वो लोग हंसने लगे। लेकिन वो फिर से मुझसे बोलने लगा एडमिट कार्ड। मैं उसको बोल रहा हूँ मुझे सीट थे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिससे कि उसके पास पूरी सीट थी। एक टीचर थे, शायद वो मुझे जानते नहीं थे। यस सर। कोई इलेक्ट्रिकल इन्वेस्टर करती थी, वो मुझे जानते नहीं थे। तो मैंने उसे मतलब सीट मांगी थी जिससे कि मैं आधी कॉपी लेके डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ, बट उन्होंने मुझे एक कॉपी दे दी और मुझे स्टूडेंट समझ लिया। और वहाँ जो बच्चे बैठे थे वो लोग हंसने लगे। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, वो आपको एज ए स्टूडेंट समझ लिया होंगे। नेक्स्ट आपका है, ये आपने पूछा योर व्यू पॉइंट अबाउट कैंपस प्लेसमेंट कॉलेज। देखो, कैंपस प्लेसमेंट के लिए मैक्सिमम काम तो स्टूडेंट्स ही करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ही कंपनी को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके कॉलेज में पहले से एक माहौल चला आ रहा है कंपनी आने का, अगर उनको पता है किस कॉलेज में बच्चे अच्छे हैं, तो वो कंपनीज अगर पहले से आ रही हैं तो आएंगी। अब अगर बिल्कुल ही न्यू तरीके से स्टार्ट करना है तो आपको पहले अपनी स्किल्स शो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको या तो आप अपनी स्किल्स शो करो, तो फर्स्ट अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, तुम टेक्निकल नॉलेज इंप्रूव करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। और जो कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है, प्लेसमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है, वो इंप्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें कंपनी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा अपने टीपीओ के थ्रू कि हमें यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हैं ये जो है, और जिससे कि कंपनी के एचआर या मैनेजर जिससे भी कांटेक्ट हो, जिससे भी इस कंपनी में विजिट, यहाँ कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए विजिट करें। तो इसके लिए आप अपने एलुमनी का भी यूज कर सकते हो जो आपके कॉलेज के पास आउट हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में होंगे, कहीं ना कहीं होंगे, तो अगर आप उनका भी यूज कर सकते हो तो वहां से आपको कॉन्टेक्ट मिल सकते हैं। वो आपको एज ए रेफरेंस, मतलब वो अगर वो किसी बड़ी पोजिशन में पहुंच गए हैं तो वो खुद भी अपनी कंपनी को लेके आ सकते हैं प्लेसमेंट के लिए। तो जब एक बार अगर वो आ जाती है तो अगर आप उसको अपने टैलेंट या स्किल्स शो करोगे तो वो इम्प्रेस होंगे, वो फिर से आएंगे। और ये सीरीज एक बार स्टार्ट होता है तो फिर क्या होता है कि एक बार अगर कंपनी आती है तो और कंपनीज को भी इन्फॉर्म करती है कि नहीं, वहाँ है एक कॉलेज है, वहां से स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे धीरे कॉन्टैक्ट क्रिएट होते हैं, कॉन्टैक्ट बनते हैं, प्लेसमेंट पर धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। तो एक तरीका है। एक तरीका और है कि आप इंडस्ट्री लीकेज, इंडस्ट्री में जाओ, इंटर्नशिप सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है, तो आप सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप करो, तो उससे क्या होगा, आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, ठीक है। कुछ कंपनीज क्या करती है, इंटर्नशिप को एज एक्सपीरियंस काउंट होता है, इंटर्नशिप एज एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। तो अगर आपने कहीं पर इंटर्नशिप किया तो कई बार क्या होता है, वो कंपनी आपका खुद ही अब्सॉर्ब कर लेगी, या फिर अगर आपने इंटर्नशिप किया तो आपको उससे भी आइडिया लग जाएगा, आपको जॉब सर्च करने में आसानी होगी और उस कंपनी को भी, वो कंपनी भी आपको प्रेफरेंस देगी। तो अगर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो सेमेस्टर गैप होता है उसमें अगर सही बच्चे कहीं ना कहीं इंटर्नशिप ले लें तो उनकी प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। थ्री मंथ की छोटी इंटर्नशिप लेंगे तो वो एज ए एक्सपीरियंस वो कंपनी उसको लेगी। yes, तो उनको वो प्रेशर की जगह उस स्टूडेंट को लेने के लिए ज्यादा, उस स्टूडेंट को प्रेफर करेगी जो इंटर्नशिप किया हुआ है या उस फील्ड में उसने ट्रेनिंग या कुछ कर ली है, ट्रेनिंग वगैरह कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉलेज का प्लेसमेंट ऊपर जा सकता है, इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। ये मतलब एक पॉइंट हमें लेके नहीं चलना है, हमें सब कुछ करना है, एलुमनी से भी कॉन्टेक्ट करना है, इंटर्नशिप भी करनी है, ट्रेनिंग भी करनी है और भी प्रोग्राम करने हैं, और कंपनी से भी कॉन्टेक्ट करना है। तो इन सबसे धीरे धीरे सभी चीजों से बल्कि जो है आपका प्लेसमेंट इम्प्रूव हो सकता है, जो अभी इतना नहीं है। नेक्स्ट आपका है स्मॉल मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। देखो, जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में हैं या जो पास आउट हो गए हैं, तो पास आउट हो गए हैं तो उनने भी कोई गोल सेट कर रखा होगा। जो फाइनल ईयर में वो गोल सेट कर चुके होंगे, मैंने काफी बार क्लास में भी डिस्कशन किया इसके ऊपर कि आप डिसाइड कर लो क्या करना है। वैसे थर्ड ईयर से डिसाइड कर लिया जाता है कि क्या करना होता है, फिर धीरे धीरे हम उसमें उस पर काम करते हैं, जैसे कि हमें वो गोल अचीव हो जाए, ठीक है। पास आउट अब या तो अगर वो गोल पास, अगर डिग्री कंप्लीट हुई उसी टाइम कंप्लीट हो जाए, नहीं होता तो फिर उसको तुम उसके लिए मेहनत करोगे, ठीक है। तो गोल डिसाइड करना ज्यादा मुश्किल काम है पहले, तो अगर गोल डिसाइड हो जाता है और अगर एक बार डिसाइड कर लिया आप उसमें कुछ आगे निकल गए हो तो उसमें पीछे बैक का ऑप्शन कम ही होता है, क्योंकि हम उसको टाइम दे चुके हैं, ठीक है। अब आपने गोल डिसाइड कर लिया तो अब आप उसको अचीव करने के लिए करिए, जो भी करना हो, चाहे
स्टैट कोच हो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैं 2011 का पास आउट हुआ हूँ, फिर 15 में लगा, टाइम बहुत लंबा चला जाता है। ऐसा नहीं है कि 11 में पास आउट हुए तो आपके लिए तैयार है कुछ, आपको तुरंत मिल जाएगा, नहीं मिल पाता। या 12 में मिल जाए, कभी कभी 12 में तुरंत एक दो साल में भी नहीं मिलता। जैसे मेरे साथ में जो मेरे फ्रेंड्स थे, तो ऐसा नहीं है कि सबकी एक साथ 2012 या 2013 में सबकी जॉब लग गई, बट कुछ कुछ लगते गए। जैसे 2012 में कुछ लग गए, फिर 2013 में कुछ लग गए, कुछ 2014 में लग गए, तो हर ईयर में 14-15 तक चलते गए कुछ कुछ स्टूडेंट, मतलब कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स तो जो थे वो जॉब लेते गए और सेटल्ड होते गए। मतलब जॉब लेने को एज ए सेटल्ड थे हम, वो जॉब लेते गए। तो तुरंत नहीं होता है, तो एक बार आपने अपना गोल सेट कर लिया, अब तुम उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी करो, पढ़ो, जितना भी मेहनत हो सकती है करो, ठीक है। अब तुम्हें उसके लिए चाहे फ्रस्ट्रेट होना पड़े, सब होगा। ये जो नॉर्मल प्रॉब्लम होती है ना, एंजाइटी आई होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, फिर तुम अपने दूसरे फ्रेंड्स होंगे उनको देखोगे, तो उनको देखकर तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होगा, उनकी सोशल लाइफ देखोगे, कुछ कुछ अभी कभी ऐसा भी होगा किसी की बहुत जल्दी जॉब लग जाएगी, तो तुम उससे फ्रस्ट्रेट हो गए। तो फ्रस्ट्रेट हो गया लेकिन फिर भी तुम्हें पढ़ना तो होगा। जैसे सेम स्टोरी कॉमन होती है, सभी होते हैं, जैसे मैं भी होता था कि जब कोई तुमसे एक या दूसरी ब्रांच वाला है, कभी कभी क्या होता है ब्रांच वाइज भी चीजें, कभी क्या ब्रांच वाइज चीजें घड़ी करती है ना, किसी ब्रांच में जॉब ज्यादा होती है तो उनकी जॉब पहले लग जाती है, तो हमें उससे फ्रस्ट्रेशन होता है कि वो हमारे लेवल का नहीं है, फिर भी वो हमसे पहले बेस्ट हो गया, वो अच्छी जॉब पर है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो भी नहीं, लेकिन उसका कुछ सोल्यूशन है नहीं, वो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तुम पढ़ो और उससे और आगे निकलने का एक ही तरीका, हार्ड वर्क करो, चाहे फ्रस्ट्रेशन, एंग्जायटी, स्ट्रेस, ये सब तुम्हें होगा, ठीक है। तो फिर भी तुम्हें पढ़ना है या हार्ड वर्क करना है और अपना गोल अचीव करना है। हो सके तो अपने कुछ फ्रेंड्स बनाओ एक तुम, जिससे तुम बात कर सको, बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, yes. बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब उनकी डिग्री के बाद उनकी ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा पढ़ने के बाद जब हम दूसरी लोगों की लाइफ देखते हैं तो हमें उससे हमें डिप्रेशन या हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, तो वो उसके लिए फिर हमें कोई ना कोई बात करने के लिए होता है, या तो हम पढ़ें या फिर भी हमें कोई फ्रेंड होते हैं तो जिनसे बात करते हैं। तो एक तो अच्छे फ्रेंड्स हमारे साथ होने बहुत जरूरी है, और हार्डवर्क ही ऑप्शन है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, इफ यू विल बिकम द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन देन व्हाट वुड यू लाइक टू इम्प्रूव कॉलेज, और व्हाट वुड यू लाइक टू इम्प्रूव पब्लिक चेंज। अब देखो इतना तो मुझे नहीं पता कि क्या क्या चेंज कितना हो सकता है, किस लेवल तक चेंज हो सकता है। हम इसके लिए ऐसे कर सकते हैं, हम किसी कॉलेज को रेफरेंस ले सकते हैं, जैसे कोई एक हमने कॉलेज रेफरेंस ले लिया जिस, और उसका हमने गोल सेट कर दिया कि अभी पहले हमें इस लेवल तक पहुंचना है। जब हम उस कॉलेज उस लेवल को अचीव कर लेंगे फिर हम उसके ऊपर हायर सेट करेंगे, हायर गोल। जैसे अभी हम जैसे मान लेते हैं अभी हम इंदौर का जो कॉलेज है SGCTS इंदौर जो कॉलेज है उसको हम मानते हैं MP का नंबर 1 कॉलेज, तो अभी हम उसको रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। एक कि पहले जो है वो कॉलेज हम वहां तक पहुंचे, ठीक है। उसके लिए अगर हमें देखना है कि उस कॉलेज में कैसे होता है तो हम यहां से कुछ फैकल्टीज या कुछ स्टाफ को हम वहां भेज सकते हैं कि आप वहां देखकर आइए क्या है वहां उस कॉलेज में। हम तो फिर हम एक टाइम सेट करके, जैसे एक साल का 1 ईयर का टाइम सेट करके पहले वो गोल उस कॉलेज तक पहुंचे, या जितना भी आपको टेन्योर सेट करना है वहां तक पहुंचे। जब उस वो हमें गोल मिल जाएगा, वो कॉलेज सेट हो जाएगा, तो हम उस हिसाब से हायर गोल सेट करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अपने कॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी पर्टिकुलर की यहाँ चेंज करें, यहाँ चेंज करें, तो वो हमें नहीं पता कि चेंज कहाँ तक ले जाना है या किस लेवल तक एक आइडियल की चीज मानी जाएगी। तो हम एक आइडियल की कॉलेज या एक रेफरेंस कॉलेज ले लेते हैं, उसको मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने गोल सेट कर सकते हैं। अगर हम उसको अचीव कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी सेक्शन या सभी डिपार्टमेंट ऊपर होंगे, ऊपर धीरे धीरे सब में काम होंगे। तो ये तरीका है कॉलेज को इम्प्रूव करने का। उसके बाद अगर स्टेट वाले कॉलेज अगर आप अचीव कर लिए तो फिर कर लेते हो गोल, तो फिर सेंट्रल लेवल के कॉलेज तक जा सकते हैं आगे। कुछ टाइम स्टेट लेवल के कॉलेज को टारगेट रखो कि इस गोल तक अचीव करना है, फिर वो गोल अचीव हो गया तो फिर हम और ऊपर जाएंगे सेंट्रल लेवल के कॉलेज, या किसी NIT को हम सोच सकते हैं, NIT का कुछ डिपार्टमेंट ले सकते हैं कि इतना जो कॉलेज इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
what can a student do to improve the project and research environment in our college? तो इसके लिए जैसे किसी स्टूडेंट को मान लो कोई अच्छा कोई प्रोजेक्ट या रिसर्च करना है, तो एक तो तरीका ये कुछ तरीके हैं, जैसे एक आप जो है रिसर्च आर्टिकल पढ़ो, ठीक है, तो उससे आपको आइडियाज आएंगे कि ये रिसर्च इस तरह से की जाती है, ये रिसर्च आर्टिकल है, आपके यहाँ फैकल्टी है, उस फैकल्टी से कंसर्न करो उसके बारे में, उससे डिस्कशन करो। एक तरीका ये है कि आप करेंट सिनेरियो देखो, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो ऐसे आईआईटी दिल्ली ने उसके लिए एक किट बनाई है, वो भी एक ऐसे प्रोजेक्ट है, आप करंट प्रॉब्लम चेक करो, उस प्रॉब्लम के लिए आपको भी स्किल होना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर ली, अब उसका हमें चाहिए सोल्यूशन, उस सोल्यूशन के लिए आपको स्किल होना भी जरूरी है, तो आपने टेक्निकल स्किल इम्प्रूव करो, सॉफ्टवेयर लर्न करो और कोडिंग जो भी उसमें लगेगी कोडिंग सीखो, कोडिंग करो, तो ये सब चीजें अलग सब ब्रांच में जो है सॉफ्टवेयर कुछ ना कुछ होगा या कोडिंग होगी वो करो, तो उससे तुम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करोगे। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप प्रोजेक्ट भी आपका अच्छा बनेगा, प्रोजेक्ट यूज भी होगा, बशर्ते उस प्रोजेक्ट के कोई एक डब्बा आपने लिया बना दिया उसको पड़ा हुआ है जो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, तो अगर आप न्यू आइडिया का प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, अगर उसको आप एज ए आगे का भी यूज कर सकते हैं, ये आप उसको पेटेंट करा सकते हो, उसको आप उससे अर्निंग भी हो सकती है आपकी, अगर कोई नया आइडिया आ गया है तो उसको आप आगे कैरी ऑन भी कर सकते हो।